जैसा कुछ नहीं है, बाकी सब सप्लीमेंट साइड में हो गए हैं कि अगर आप इनको यूज़ कर लेंगे ना, तो बस आपकी स्किन तो एकदम सफ़ेदी की चमकार हो जाएगी, या बिल्कुल स्नो वाइट हो जाएगी। जैसे जो स्किन की क्वालिटी होती है, स्किन का जो टेक्सचर होता है, स्किन का जो एक तरह से जो मैट इफेक्ट होता है, वो धीरे धीरे इट बिकम्स लाइक दिस। और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि क्या ये स्क्रीन स्किन जो है वो ब्राइटन करता है। ये सप्लीमेंट लेने की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, वो सब धीरे धीरे करके रिजॉल्व होते हैं। तो यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट विच यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज एंजल सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हेयर अगैन। सो आई वॉज मेकिंग अ वीडियो ऑन रिक्वेस्ट वीडियो, जो कि स्किन वाइटनिंग टैबलेट्स पे थी। बट वो वीडियो ना इतना लंबा होता जा रहा था कि मुझे लगा इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इंटू टू पार्ट्स। द रीज़न वॉज कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ इस बात से लेना देना है कि कौन सी टैबलेट शायद ज़्यादा काम करेगी, तो ठीक है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरह का अगर आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट यूज़ करने के तरीके सही क्या है, दूसरा क्यों इसको यूज़ करना है और ये काम कैसे करता है, ये तीनों चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो प्रोडक्ट है उसका सिलेक्शन ठीक से कर पाएंगे, जो प्रोडक्ट का यूसेज है वो अच्छे से कर पाएंगे, और जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो भी अच्छे से उठा पाएंगे। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट इंटेंशन इस वीडियो को बनाने की। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डू आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कोलाजन पाउडर एंड ग्लूटाथियोन? ये दोनों वर्ड्स जो है ना, ये मार्केट में इन्होंने तहलका मचा रखा है। मतलब दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मैजिकल वर्ड्स इन द मार्केट, कि अगर आप इनको यूज़ कर लेंगे ना, तो बस आपकी स्किन तो एकदम सफ़ेदी की चमकार हो जाएगी, या बिल्कुल स्नो वाइट हो जाएगी। बट द क्वेश्चन इज़, वॉट आर दीज टू थिंग्स एंड वाई इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग सच अ बिग हाइप इन द ब्यूटी इंडस्ट्री? वॉट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? तो आई जस्ट थॉट दैट इसके ऊपर ना एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाजन की। कोलाजन पाउडर क्या होता है और ये स्किन में आपकी किस तरह से काम करता है? अच्छा, मैं जब ये सारी वीडियो के डिटेल्स में मैं जाऊँगी, उसके साथ साथ मैं आपको आज बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी देने वाली हूँ इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, अलॉन्ग विद दैट आपकी स्किन बेहतर कैसे बने उसके लिए भी। एंड येस, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने जो मेरी लास्ट दो तीन वीडियोस थी, वो राइस क्रीम वाली जिसका मैंने हाफ फेस पर रिजल्ट दिखाया था वो वाली हो गई, और दूसरी वाइटनिंग क्रीम बनाई थी उसका भी रिजल्ट जो आया था, दोनों की दोनों लाइव रिजल्ट्स के साथ, जो आपने इतना अच्छे से उसको प्यार दिया और इतना ज़्यादा उसको वॉच किया और इतने ज़्यादा लाइक्स मिले उस पर दोनों वीडियोज़ पर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दीज आर द इंस्पिरेशन विच मेक्स मी फील कि बस अब सुबह उठते के साथ ही लग जाओ काम पे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट द फेवरेट वर्ड कोलाजन। ये कोलाजन के नाम पे जो मार्केट में इतने सारे पाउडर्स आ गए हैं, मिनरल बेस्ड पाउडर एंड यू नो फिश ऑयल बेस्ड पाउडर एंड प्लांट बेस्ड पाउडर, ये बेसिकली है क्या, बीमारी क्या है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कोलाजन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ऑल राइट? सो प्रोटीन का काम जो होता है वो क्या करता है, इट्स अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, ये वीडियो बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है। एक बार इस सारी जानकारी को आप अच्छे से जान लेंगे ना, तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करने में भी मज़ा आएगा और आपको रिजल्ट जो है ना वो बड़े अच्छे से दिखाई देंगे, और आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, राइट? सो यस, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोलाजन पाउडर, तो बेसिकली ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो इट्स अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब ये आपकी स्किन के टेक्स्चर को, स्ट्रक्चर को, क्वालिटी को ये उस तरह से बनाता है, उसको बिल्ड करता है, ये बेसिकली स्किन के अंदर काम करता है। तो हैंस इट इज़ वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी, नॉट ओनली जस्ट द स्किन, क्योंकि हम बार बार स्किन के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर इन द ब्यूटी इंडस्ट्री. अदरवाइज अगर आप ओवरऑल कोलाजन की सिर्फ बात करें तो वो हेयर बिल्डिंग के बारे में बात हो जाए, चाहे वो बोन्स के बारे में बात हो जाए, इवन स्किन एंड मसल्स के बारे में बात हो जाए, और तो और लिगामेंट जैसी जो चीज़ें होती हैं, यानी अगेन इट्स अ काइंड ऑफ मसल. तो मतलब इन सब चीज़ों में ये कोलाजन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. तो अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज़ योर स्किन, ओके, दिस इज़ योर स्किन विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी फ्लैट एंड बहुत ज़्यादा ना एकदम स्मूथ क्वालिटी की है. व्हाट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये स्किन का जो डेली आपका वेयर एंड टेयर होता है उसकी वजह से, आपकी डेली का जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो स्किन की क्वालिटी होती है, स्किन का जो टेक्स्चर होता है, स्किन का जो एक तरह से जो मैट इफेक्ट होता है, वो धीरे धीरे It becomes like this, okay? It becomes, इसमें fine lines आ जाती हैं. Now you can see, अगर मैं इसको अब सीधा भी करूँगी, ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? There are so many wrinkles, यहाँ इतने सारे wrinkles हैं, और एक बार जब ये wrinkles आ गए हैं तो अब इसको कैसे किया जाए ठीक, जो कि ये वापस से स्मूथ हो जाए. तो अब इसको क्या करना चाहिए, या तो इसको आप आयरन कर देंगे, यानी ऊपर से सरफेस को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे कि आपकी स्किन जो है वो वापस से पहले जैसे टेक्स्चर पे आ जाए, तब भी वो फाइन लाइन जो है वो धीरे धीरे करके जाती है, इतना आसानी से नहीं होता है. वो प्रोसीजर होता है फेस अपलिफ्टिंग का, या फिर आप बोटॉक्स की बात करें, इन सब चीज़ों को आप ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वो उस पर काम आता है. अगर मैं इंटरनली इस स्किन को ठीक करना चाहती हूँ, इसके टेक्सचर को ठीक करना चाहती हूँ, तो मैं कोलाजन का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो अंदर से क्या करेगा, वो अंदर से स्किन को पुश करेगा, यानी अंदर से जो स्किन के ब्लॉक्स हैं, स्किन के जो सेल्स हैं उनको बनाएगा, और उनके जो भी डिफॉर्मेलिटीज़ हैं या जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके, उनको ठीक करेगा और वो प्लम्पी बनाएगा. यानी बाहर की तरफ जो स्किन का, सपोज़ कर लीजिए ये स्किन का मॉलिक्यूल है, अगर वो श्रिंक हो गया है तो उसको धीरे धीरे करके वो वापस नॉर्मल शेप में लेके आएगा, एंड हेंस दिस स्किन वुड स्टार्ट यू नो बिकमिंग नॉर्मल. ये धीरे धीरे करके स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी, और बिकॉज ऑफ दैट आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगती है, आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूथफुल लगती है, आपको एंटी एजिंग का काम करता है, ये सैगिंग स्किन होने से बचाता है, इसलिए जो है वो कोलाजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई थिंक कोलाजन का पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, कि ये जो कोलाजन होता है ये बेसिकली क्या हमें हमेशा लेना चाहिए. वेल द गुड न्यूज़ इज़ के जो कोलाजन है वो आपकी बॉडी में ही बनता है, राइट. बट जैसे ओवर द टाइम आपकी एज होती है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होते हैं, या आपकी बोन्स की डेंसिटी कम होने लग जाती है, सेम इज़ द केस विद कोलाजन कैपेबिलिटी, कि उसकी भी जो कंसिस्टेंसी होती है, उसकी भी जो एक जो बनाने का उसका जो प्रोसेस होता है वो धीरे 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 कम होने लग जाता है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू टेक सप्लीमेंट. आप कोलाजन का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 30-35. यस ऑफ कोर्स इफ यू आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन देन यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो यस इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल. होता क्या है, अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूँ या साइंटिफिक तौर पर मैं अगर बात करूँ, तो कोलाजन किस चीज़ से बना होता है, अगर बॉडी में ही डेवलप होता है तो किस चीज़ से बना होता है, और हम इसको अगर नेचुरल फॉर्म में लेना चाहें तो हम कैसे ले सकते. अमीनो एसिड से बना होता है, देन यू हैव ग्लाइसिन, देन प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन. तो ये जो सारे के सारे चार कंपोनेंट्स हैं, जब ये एक साथ आते हैं तब उसके बाद कोलाजन का हेलिक्स फॉर्म में एक तरह से बॉन्ड बनता है, जो कि प्रोटीन बॉन्ड होता है, और जो कि आपके स्किन के स्ट्रैंड्स को, स्किन की लेयर्स को, उसके स्ट्रैंड्स को एक तरह से वो बॉन्ड बनाता है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो खिंची खिंची दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा यूथफुल हो जाती है, उसके जो सेल्स होते हैं, स्किन के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं. तो ये तो हुआ टेक्निकल टर्म्स, यानी मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मेशन है. अब मैं बात करती हूँ ये नेचुरल कौन कौन से फूड्स जो होते हैं
हैं उसमें पाए जाते हैं। सो नेचुरल फूड्स में जो भी आपके हाई प्रोटीन बेस्ड जो फूड होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, आपका सिट्रस फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गया, रेड एंड येलो वेजिटेबल्स जो हैं, जो रेड और येलो कलर में पाई जाती हैं, वो हो, उसके साथ साथ गार्लिक है, वाइट टी है, ये सारी चीजें, देयर आर द लिस्ट इज एंडलेस। मतलब अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें जो है अगर आप अपनी डाइट में इनटेक करना स्टार्ट करते हैं तो ये कोलाजन आपका नेचुरल फॉर्म में विद इन योर ओन बॉडी इट वुड स्टार्ट बिल्डिंग अप, इट वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रोसेस, इट वुड स्टार्ट स्पीडिंग अप द प्रोसेस, और वो आपको एक्स्ट्रा जो एक जो कोलाजन पाउडर आप सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं वो ना लेके आप डाइट में ही इसको एड ऑन कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी तो सिर्फ हम स्किन की बात कर रहे हैं, अब आती है बात कोलाजन की, कि अगर आप कोलाजन लेते हैं तो उससे और किन चीज़ों पे असर पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो असर दिखाई देता है वो होता है बालों के ऊपर। कोलाजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर यू नो थिकनिंग ऑफ द हेयर। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा यू नो हेल्दी नहीं है, तो वो क्या करता है, कोलाजन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है ताकि आपके जो बाल हैं उनका जो स्ट्रैंड है वो प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी बने, दूसरी बात वो थिक बने, और तीसरी बात वो किस तरह से काम करता है कि इट यू नो इट फाइट्स द फॉलिकल डैमेज। जिस फॉलिकल से आपके जो बाल हैं वो जो टिकते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, वो फॉलिकल अगर डैमेज होता है तो उसको फाइट करता है, उसकी वजह से जो आपके बालों की क्वालिटी है वो थिकन होती है। एज की वजह से अगर आपकी थिनिंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाती है यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली बालों का जो पतलापन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको फाइट करता है, और अलॉन्ग विद दैट आपके बालों की जो क्वालिटी है उसको भी बेहतरीन बनाता है। तो इतने सारे फायदे हैं कोलाजन कोलाजन लेने के। ये रहा टॉपिक कोलाजन बेस्ड। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ ग्लूटाथियोन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज़ ग्लूटाथियोन, ये वर्ड क्या है, और ये इतना ज़्यादा हर चीज़ में क्यों इतना हाइप क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ग्लूटाथियोन जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी में ही बनता है, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स को कॉम्बैट करने के लिए, यानी उनसे फाइट करने के लिए। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये फ्री रेडिकल्स क्या बीमारी है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली जब भी आपकी बॉडी में कोई भी सेल फॉर्म होता है उसमें एक तरह का केमिकल चेंज होता है, जिसमें कि एक तरह का अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि आपके नॉर्मल डीएनए, लिपिड या प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को हार्म पहुंचाता है। तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में ही बनता है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल, लेकिन एक तरह का अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो कि कहीं ना कहीं उसको जगह नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ डैमेज करता है वो। तो ग्लूटाथियोन का जो काम है वो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इन ये वाले जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं इनसे फाइट करता है, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जो आपका बेसिक नेचर है सेल का, जो आपका बेसिक क्वालिटी है सेल की, वो अपने आप में बेहतरीन हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन बेहतर दिखाई देने लग जाती है, आपकी स्किन के अंदर एक ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा यंगर लुकिंग दिखाई देने लग जाती है। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट व्हाई ग्लूटाथियोन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन, फॉर योर बेसिक हेल्थ। नॉट ओनली जस्ट स्किन, आई वुड से दैट स्किन के साथ साथ आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसके अंदर ना इम्यूनिटी पावर भी ये बढ़ाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या ग्लूटाथियोन सेफ है लेने के लिए, क्या हम इसे सेफली ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट फॉर्म जो है ग्लूटाथियोन को लेने का, दैट इज ओरली, यानी अगर आप बाय माउथ उसको लेते हैं। एंड येस ऑफकोर्स देर इज अनदर कंडीशन कि अप टू 500 mg तक ही आपको लेना है, और वो भी मैक्सिमम 2 months तक, उसके बाद आप उसको ब्रेक दे सकते हैं। दिस इज वॉट आई हैव रेड ऑन इंटरनेट, दिस इज वॉट आई हैव रेड ऑन गूगल रिसर्च। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 2-3 पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपको खासा ख्याल रखने हैं वाइल टेकिंग दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लेना कब है। तो ग्लूटाथियोन बेसिकली क्या करता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी स्किन को या पूरी ओवरऑल बॉडी को वो रिजुविनेट करता है, और जब आप उठते हैं मॉर्निंग में तो सबसे लोएस्ट उस समय आपका जो होता है वो ग्लूटाथियोन लेवल उस समय लोएस्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट
फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप सो के उठते हैं, उठने के बाद आपका फर्स्ट काम जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि यू नीड टू टेक दिस सप्लीमेंट immediately after waking up. This is the right way of taking glutathione. जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको टिप्स बताऊंगी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हम कोलाजन एंड ग्लूटाथोइन ये दोनों चीज़ें साथ में ले सकते हैं, क्या दोनों सप्लीमेंट साथ में ले सकते हैं? एब्सोल्युटली येस. सो येस, इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक दिन में लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज़ कि दोनों की क्वांटिटी लिमिटेड रखिए. दोनों के क्वांटिटी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, आपको डाइट अपनी बहुत अच्छी करनी है. तो डाइट में क्या अच्छा करना है, आपको सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, आपको प्रोटीन बेस्ड फूड्स ज़्यादा लेने हैं. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी जो डार्क कलर्स के फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट मतलब सिट्रस फ्रूट्स के बारे में आपको पता ही है, तो आपको वो लेना ही लेना है डाइट में. अलॉन्ग विद दैट प्रोटीन रिलेटेड, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाते हैं तो फिश हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये दोनों वर्ड्स के, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ आपको आज की नॉलेज मिली होगी. इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, वो ये आता है कि क्या ये स्किन जो है वो ब्राइटन करता है. द आंसर इज येस. इन वन वे येस, बिकॉज ये आपकी स्किन के जो भी पेंडिंग इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्किन की लेयर डैमेज हो रही है आपकी, आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से स्किन में फाइनल रिंकल्स आ गए हैं, आपकी स्किन सैगी हो गई है, डेड स्किन हो गई है, हाइड्रेशन नहीं है स्किन में, ये सारी चीज़ें अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल सेक्रीशन आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्ने डेवलप होता है, ये सप्लीमेंट लेने की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, वो सब धीरे धीरे करके रिजॉल्व होते हैं. तो येस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट विच यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट, क्योंकि अब आपको इस चीज़ से अंदर से गिल्टी नहीं होगी कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. सो दिस इज व्हाई आई थॉट दैट दिस वीडियो इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच असेंशियल टू मेक ऑन दिस टॉपिक. एंड आई होप, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टुडे. एंड इन केस इफ अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सब बता दी हैं. इसके साथ साथ दो पॉइंट यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट हैं, वो एक ये कि फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, आपको ना गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो वाटर का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ा दीजिए. वाटर जैसा कुछ नहीं है, बाकी सब सप्लीमेंट साइड में हो गए. जितना अच्छा क्लेंजिंग वाटर करता है ना आपकी बॉडी का, कोई और चीज़ नहीं कर सकती है. प्लीज़ टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली. तो कम से कम 4 लीटर्स वाटर दिन में आपको पीना ही पीना है, इस बात की गांठ बांध दीजिए, दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए कि ये काम मुझे करना ही करना है. वो कभी भी आप कर सकते हैं. मोस्टली वैसे सजेस्टिव ये होता है कि आप मॉर्निंग में उठ के खाली पेट अगर पानी पीते हैं तो उससे जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं. बट टोटली अप टू यू, योर कॉल. अगर आप पानी ज़्यादा नहीं ले सकते तो कोशिश करके वाटर बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है. जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, ये सारी चीज़ें, क्यूकम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी वाटर बेस्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा को आपकी बॉडी में बढ़ाता है. तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, प्लस आपकी स्किन में ना बहुत अच्छा एक चमक जो होती है वो लेकर आएगी विदाउट डूइंग एनीथिंग एडिशनली. ठीक है. सो अलॉन्ग विद दैट, एक और जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊँगी, लास्ट टिप देना चाहूँगी, और वो ये है कि विटामिन सी बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उनको ऐड करने के साथ साथ आप एक चीज़ और बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर लीजिए अपनी डेली लाइफस्टाइल में, दैट इज़ यूजिंग सनस्क्रीन. इस बात पे जितना ज़्यादा इस बात को एम्फोसाइज़ किया जाए उतना ही कम है. मुझे लगता है कि इस पे मुझे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन आपकी लाइफ में. तो और वो भी ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए 15 SPF का सनस्क्रीन रख लिया. आपको रखना है तो एटलीस्ट 50 SPF आप लेकर रखिए, 35-50 का रेंज आप रखिए. अगर आप इवन घर में भी रहते हैं प्लीज़ सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आपकी स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं. इस चीज़ का ध्यान रखिए. फिर चाहे वो आप कोई भी एज से बिलोंग करते हैं, ये कंपलसरी है आपके लिए, पी
कि ये ट्रिपल प्लस जो है ये कंपलसरी है। SPF 50 जो है, मेन हो वुमेन हो, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, कोई भी एज के हो, आप घर में रहते हैं आप बाहर जाते हैं, इस चीज़ को कंपलसरी है आपको यूज़ करना। जब भी घर से बाहर जाएं 20 मिनट्स पहले आप स्किन पर उसको लगा के रखिए। एवरी 2 आवर्स एप्लीकेशन इज़ मस्ट necessary। सो येस, दिस वॉज टूडेज वीडियो। मुझे लग रहा था कि पहले वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे लगता है ये वाली भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बट मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इससे काफ़ी बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी, बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो अब लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि मैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊँ। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये दोनों कैटेगरी के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। लिस्ट ऑफ कोलाजन पाउडर्स द बेस्ट विच आर वर्किंग ग्रेट फॉर मेनी पीपल, एंड येस द लिस्ट ऑफ ग्लूटाथोइन टेबलेट्स फॉर स्किन वाइटनिंग, टोटली योर कॉल। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस स्किन वाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट येस इफ समबडी इज आस्किंग मी, दिस इज माई जॉब टू डू द रिसर्च ऑन दैट, आई एम डूइंग इट एंड आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द details, so it is totally your call whether you want to take these detail or not. So yes, having said that, aaj ki ye jo video hai aaj yahi samapt karte hain. Main milungi aapse kal very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and do not forget, you are beautiful, stay beautiful and be beautiful. God bless you, bye.